प्रवीण जी, आप किस पोस्ट में हैं? आप क्या है आपका पूरा डेफिनेशन? मैं प्रवीण अरोड़ा और राष्ट्रीय हितेतु संकल्पित 14 राजनीतिक पार्टियां और देश के विभिन्न संगठन जो जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधारा रखते हैं, उनका एक मोर्चा बना हुआ है जिसका नाम है समानता मोर्चा। मैं उसका संयोजक हूँ। पूरा अरेंज आपने करा है? देखिए, मैं की वृत्ति किसी में भी नहीं होनी चाहिए। ये एक जन आंदोलन है, इसमें आपकी भी भागीदारी है और सभी जो भारत देश के अंदर जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधारा रखते हैं उन सभी की भागीदारी है, उन सभी का प्रमुख स्थान है। आपको क्यों लगता है सर कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, आरक्षण के होने से, जातिगत आरक्षण के होने से हमारा ये समर्थन नहीं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हमारी सोच यह है कि भारत देश में जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण, एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या है इसमें, आप किस तरीके के काम को करना चाहते हैं? जातिगत आरक्षण समाज में भेदभाव बनाए हुए हैं और भारत राष्ट्र का जो विकास रुका हुआ है, जो विकासशील देश है वो विकसित देश में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। जिस दिन भारत देश से जातिगत आरक्षण समाप्त होगा, निश्चय उसी दिन भारत विश्व की ओर अग्रसर होगा और भारत देश विकसित राष्ट्र होगा जो विश्व के अंदर परचम फैलाएगा। क्या कहना चाहते कि अभी हमारे भारत देश विकास नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, विकास विश्व में हर देश में हो रहा है, भारत राष्ट्र में भी हो रहा है। प्रश्न यहाँ उठता है कि विकास जिस गति से हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं या नहीं है। जो विकसित राष्ट्र के अंदर एक बच्चे का जीवन जन्म लेता है, उसको जो सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र का जो जीवन है वह संघर्ष उनके नहीं रहते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे जो संघर्ष हम आज कर रहे हैं, जो आने वाला जीवन है वो भी उन संघर्षों में अपना जीवन बिताए। सर, ये जो आरक्षण है, आप जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि दूसरी पार्टी, दूसरे लोग मानेंगे इस बात को? कैसे मनवाएंगे आप, क्या योजना है? निश्चित मानेंगे, विचारधाराएं उनकी भी हैं, विचारधारा उनकी भी है जो आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको ललचाया जा रहा है, सदैव एक सत्ता पाने हेतु उनको हमेशा ललचाया गया है। निश्चित हम दोनों वर्ग, आरक्षण युक्त वर्ग, आरक्षण रहित वर्ग, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आ चुके हैं। आने वाले समय में आपको जल्दी समाज में यह नजर आएगा और सरकारें एक निमित्त मात्र रह जाएंगी। क्या कहना चाहिए, आज आप यहाँ पर कितना लोग होंगे? सर, हमें तो बहुत थोड़ा लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, आज के समय में रिजर्वेशन पर, रिजर्वेशन के अगेंस्ट कास्ट रिजर्वेशन पर काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और जो प्रमुख भागीदारी में इसमें संलिप्त हैं उनके पीछे बहुत भावनाएं, बहुत संघर्ष, बहुत जीवन लगे हुए हैं और जो अग्रणी भूमिका में आपके समक्ष नजर आ रहे हैं, आज की परिस्थिति में मैं उनको नमन करता हूं। क्या सर, आप मानते हैं कि देश में जातिवाद चल रहा है जिसकी वजह से आज सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में नहीं नजर आ रहे? देखिए, जातिवाद तो हकीकत में देखा जाए है ही नहीं, सिस्टम के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है। हमेशा हम अपने पड़ोस में, गली मोहल्लों में, कार्यस्थलों पर रहते हैं तो हम क्या जाति के आधार पर आपस में व्यवहार करते हैं? नहीं, सिस्टम के द्वारा। कहने का मतलब है समाज में जातिवाद नहीं हो रहा है लेकिन वो सिस्टम के थ्रू से दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। क्या कहना चाहते हैं सर कि आज जो ये माहौल, जो अभी देश के माहौल है, आपने एक ऐसा मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, समानता के मुद्दा, और देश में जातिवाद आपस में लड़े जा रहे हैं एक दूसरे को, किस तरीके से सिस्टम के द्वारा दिखाए जाते हैं, तो सिस्टम को कैसे बदलेंगे सर? सिस्टम निश्चय बदलेगा। कैसे? जीवन में बुराइयों का कोई स्थान कभी ना रहा, ना है, ना होगा। यह एक सामाजिक परिवर्तन है, निश्चय होगा। जब भी जीवन में समस्याएं विद्यमान रही उस समय असंभव प्रतीत हुआ, जो आज एक इतिहास है। मेरा ये पूर्ण और पूर्ण विश्वास है जो वर्तमान समय में यह एक सामाजिक बुराई है वह यह निश्चय ही समाप्त होगी और आने वाले समय में एक इतिहास होगी। इतिहास रचना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल निश्चय।
सर क्या कहना चाहते हैं हम आगे का जो जनता है उनको, वो भी चाहते हैं कि आगे का आपका प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक आप लोगों का ये फाइट चलता रहेगा और कब किस तरीके से आप अपनी मुहिम तक अपने मेन टारगेट तक अंजाम देंगे? देखिए हम कर्म कर रहे हैं, करते रहेंगे और परिणाम निश्चित ही आपके समक्ष आएंगे। यह एक जन आंदोलन है, इसमें पूर्ण समाज की, पूर्ण भारत राष्ट्र के नागरिकों की भागीदारी है और निश्चय ही हम अपनी विजय की ओर अग्रसर हैं और आने वाले समय में यह आंदोलन आपको भारत राष्ट्र में नजर आएगा। आपको विश्वास है अपने कर्म पे? जी बिल्कुल, मान सकते हैं। जी बिल्कुल जी। इतने हमारे साथ प्रवीण जी, इनका कहना है कि इनका पूरा विश्वास है कर्म में और इनका जो समानता जातिवाद का आरक्षण खत्म करके समानता दे दिया जाए, इनका कहना है, उनका विश्वास भी पूरा है कि इनका जो कर्म है कर्म जरूर रंग लेके आएंगे। देखना ये है कि वक्त किस तरफ करवट लेते हैं और कितना रंग लेके आते हैं और हमारे देश में मेल मिलाप और प्रेम में किस तरीके से हमारे रंग, हमारे देश रंगील हो जाए। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।